क्या आपके घर में भी दही खत्म हो गया है? बाजार से दही लाने और ऑनलाइन मंगवाने में कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, पर आप घर पर सिर्फ 15 से 20 मिनट में दही जमा सकते हैं। क्यों लगाना झटका? तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। मैं आपको ये सीक्रेट ट्रिक जल्द से बता देती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पतले दूध से गाढ़ा दही बनाने के लिए आप एक बर्तन में दूध डालकर इसे गर्म होने के लिए रखें। फिर उबाल आने के बाद भी दूध को 3 से 4 मिनट तक गैस सिम करके पकाते रहें। इसके बाद दूध को गैस से उतारकर ठंडा कर लें। मतलब दूध को पूरा ठंडा नहीं करना है, थोड़ा गुनगुना ही रखना है। इसके बाद एक कटोरी में थोड़ा सा यानी 2 से 3 चम्मच दही लेना है। अगर आप मिट्टी के बर्तन में दही जमा रहे हैं तो 1 चम्मच दही लेकर अच्छे से मिट्टी के बर्तन के अंदर नीचे से ऊपर तक लगा दें। अगर स्टील या कांच का बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, एक बात और, दूध को उबालने से पहले ही मिट्टी के बर्तन में दही लगा लें तो बेहतर होगा। अब बाकी 1 चम्मच दही ठंडे हुए दूध में डालकर अच्छी तरह से मिला दें। इसके बाद दूध को आप मिट्टी के बर्तन या कांच या स्टील के बर्तन में डाल दें जिसमें आपको दही जमाना है। अब इस बर्तन को अच्छे से फॉइल पेपर से कवर कर लें जिसमें हम रोटी रखते हैं। इसे अच्छे से बंद करना है ताकि हीट अंदर ही रहे। अब एक कुकर में 1 या 1.5 गिलास पानी डाल लें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें अपना वो बर्तन रख दें जिसे आपने दूध डालकर फॉइल पेपर से कवर किया है। अब कुकर का ढक्कन लगा दें, पर कुकर की सीटी निकालना ना भूलें, क्योंकि इसे सीटी नहीं लगानी है बल्कि भाप में पकाना है। इसे 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर कुकर में ही रहने दें। 15 मिनट के बाद जब आप बर्तन को कुकर से निकालेंगे तो पाएंगे कि आपका दही इतना गाढ़ा बनेगा कि चम्मच से निकालने के बाद भी पानी की एक बूंद भी नजर नहीं आएगी। अगर आप इसे कुकर में नहीं बनाना चाहते तो भी कोई बात नहीं, आप कैसरोल में गर्म पानी लें और इसमें अपना दूध वाला बर्तन रख दें। अब इसे गर्म कमरे में रख दें। 2 घंटे में आपका दही बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको दही बनाने के और भी तरीके बताएंगे। कई बार घर में बिल्कुल भी दही नहीं होता तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, पर आप बिना जामन के भी दही जमा सकते हैं। आप एक कटोरे में उबला हुआ गुनगुना दूध लें, इसमें आधा नींबू निचोड़ दें। अब चम्मच की मदद से धीरे धीरे इसे मिलाएं। इस कटोरे को ढक दें और 12 घंटे के लिए अलग रख दें। आपको इसे रूम टेम्परेचर पर ही रखना है। आप इसे सूती कपड़े से कवर कर सकते हैं। यह देर तक गर्म रहेगा और बेहतर दही बनेगा। अब 12 घंटे बाद आपका स्वादिष्ट दही बनकर तैयार है। आप मिर्ची से भी दही बना सकते हैं। सबसे पहले दूध को उबालकर गुनगुना होने तक ठंडा कर लें। इसमें डंठल समेत हरी मिर्च डालें। इसे मिलाकर सूखे और गर्म कपड़े से ढककर छोड़ दें। सुबह तक दही जम जाएगा। अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यकीनन आपको दही की अहमियत पता होगी। ताजा दही के साथ परोसने से हर डिश बेहतर हो सकती है। ठंडा ताजगी देने वाला दही हमारे खाने के स्वाद को इतना बेहतर बना देता है कि हम में से कई लोग एक दिन भी दही के बिना नहीं रह पाते।
सिर्फ सादा दही ही नहीं, हमें लस्सी, रायता, कढ़ी और भी बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। घर का बना दही किसी भी दिन बाजार से खरीदे दही से बेहतर होता है।